happy birthday, baby. दोस्तों इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए आज मैं VN ऐप का यूज़ करने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में VN ऐप पहले से इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको प्ले स्टोर से VN ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेनी होगी। इंस्टॉल कर लेने के बाद साथियों अभी आप यहाँ पे फोटो वाले ऑप्शन में जाइएगा। जाकर दोस्तों यहाँ पे अपना जो बर्थडे फोटो है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। देन वीडियो वाले ऑप्शन में जाके अभी आपका जो बर्थडे वाला वीडियो है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। देन आप यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों फाइल मेरा यहाँ पे टाइमलाइन में आ चुका है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना वीडियो का जो फॉर्मेट है उसको 9:16 में बनाना होगा। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे 9:16 एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट कीजिएगा। देन कुछ इस प्रकार से अपनी फिंगर की हेल्प से अपना जो फोटो होगा दोस्तों उसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेता हूँ। करने के बाद दोस्तों अभी आपको अपने वीडियो के लास्ट में जाना होगा। देन ये जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है इसको आप यहाँ पर डिलीट करके हटा दीजिएगा। हटाने के बाद दोस्तों अभी आपको इस वाले प्लस के मार्क पर क्लिक करना है। मटेरियल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अभी आप यहाँ पर एक ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट कीजिएगा। देख सकते हैं जो बैकग्राउंड यहाँ पर टाइमलाइन में आ चुका है। अभी दोस्तों इस वाले बैकग्राउंड को पकड़ना है और कुछ इस टाइप से इसको फर्स्ट तरफ में लाना होगा। लाने के बाद दोस्तों अभी आपको इस वाले वीडियो में ऑडियो को ऐड करना होगा। उसके लिए दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर गाइस आपको इस वाले वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर एक वीडियो का लिंक देके रखा है उस वाले वीडियो से गाइस आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऑडियो को सिलेक्शन कीजिएगा। अभी आपको अपना वीडियो को प्ले करना होगा और प्ले करके आप यहाँ पे देखोगे तो इस जगह पे म्यूजिक का जो टोन होता है वो चेंज होता है। तो ये जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है इसका ड्यूरेशन को गाइस आपको इतना ही रख के बाकी कुछ इस टाइप से यहाँ पर घटा लीजिएगा। घटाने के बाद दोस्तों अभी आपको ऊपर में यहाँ पर एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस वाले टेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। देन आप यहाँ पे स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन पर जाइएगा और यहाँ पर आपको बॉक्स में लिखना होगा हैप्पी बर्थडे बेबी। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। लिखने के बाद दोस्तों अभी आपको इसका फॉन्ट को चेंज करना होगा। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे इस वाले फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पे जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है उस वाले फॉन्ट को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करना होगा। तो इस वाले वीडियो के लिए गाइस मैं यहाँ पे ये वाला जो फॉन्ट है इसको सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद कुछ इस टाइप से एरो में पकड़ के इसको आपको यहाँ पर बड़ा करके सेंटर में आपको इसको रखना है, ठीक है। ऊपर से भी नीचे से भी कुछ इस टाइप से सेंटर में आप इसको रखिएगा। रखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर लेनी होगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में एक मोशन वाला इफेक्ट दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। करने के बाद साथियों अभी आप इसमें इन दिख रहा होगा, आप इस पर स्लाइड जो एरो देख पा रहे नीचे वाला है इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस टाइप से इसको आप यहाँ पे इतना रखिएगा, ठीक है, इसको इतना और इसको 60 पे आप यहाँ पर कर दीजिएगा। अभी आप यहाँ पर लूप एनिमेशन में जाइएगा। जाकर दोस्तों देख सकते हैं एक घंटी टाइप का दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा और कुछ इस प्रकार से इसको आप बढ़ा के कम से कम मैं इसको यहाँ पे इतना रख देता हूँ, ठीक है। तो अभी कुछ इतना ही रखिएगा। रखने के बाद आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर लेना होगा। अभी दोस्तों जितना आपके बैकग्राउंड का ड्यूरेशन है, जो टेक्स्ट वाला फाइल है इसका भी ड्यूरेशन को गाइस आपको इतना ही रखना होगा। रखने के बाद अभी आपका जो फोटो है उस पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पर एफएक्स वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कीजिएगा और कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ में आप यहाँ पर आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पर देख पर जूम आउट वाला इफेक्ट दिखेगा, आपको क्या दोस्तों इसको सिलेक्ट करना है और कुछ इस प्रकार से इसको आपको यहाँ पे एक सेकंड के लिए आप इसको यहाँ पर कर दीजिएगा। करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। अभी आप अपना वीडियो को यहाँ से प्ले कीजिएगा और प्ले करके आप यहाँ पे देखोगे तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे म्यूजिक का जो टोन होता है वो चेंज होता है, ठीक है। तो गाइस ये जो फोटो है फोटो का ड्यूरेशन बस इतना ही रखना है। रखने के बाद अभी आपको वीडियो वाले फाइल में अभी क्लिक करना होगा। इसमें भी गाइस आप एफएक्स वाले ऑप्शन में जाइएगा। जाकर दोस्तों आपको यहाँ पे जो प्लस वाला है इसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरह से इसे फर्स्ट तरफ में लाइएगा, ठीक है। देन इसको भी आप यहाँ पर एक सेकंड के लिए कर दीजिएगा। करने के बाद आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर लेना होगा। अभी जितना आपका ऑडियो का ड्यूरेशन है दोस्तों आपका वीडियो का भी ड्यूरेशन को उतना ही रखे, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा इसको आप यहाँ पे कैंची की हेल्प से हटा लीजिएगा। और एक खास बात गाइस, अगर आपके वीडियो में कुछ टाइप का बाहर का ऑडियो रहेगा उसका वॉल्यूम को गाइस आप यहाँ पर म्यूट कर लीजिएगा। इस तरह से आपका जो स्टेप वन का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी गाइस आप अपना वीडियो को प्ले करके देखोगे तो गाइस कुछ इस टाइप से वीडियो दिखेगा, पर गाइस यहाँ पर जो टेक्स्ट यहाँ पर ग्लोइंग में नहीं आ रहा है उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे नॉट वीडियो एडिटिंग ऐप को ओपन करना होगा। अगर दोस्तों आपके फोन में नॉट वीडियो एडिटिंग ऐप नहीं है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा जहाँ से दोस्तों आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नॉट वीडियो ऐप पर चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो नॉट वीडियो एडिटिंग ऐप है मैंने ओपन कर लिया है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों अभी आपको इस वाले मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। देन दोस्तों जो वीडियो आपने अभी अभी बनाया है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, उस वाले वीडियो को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करना होगा।
करने के बाद दोस्तों अभी आपको अपना वीडियो को प्ले करना है, और प्ले करके गाइस अपना उस पहले आप इस जगह पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अभी आपको अपना वीडियो को प्ले करना होगा, और प्ले करके गाइस जहाँ तक वीडियो में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस वाले वीडियो के अंदर इतना दूर तो टेक्स्ट हो रहा है, तो गाइस जस्ट आपको इतना दूर में आना होगा। आने के बाद गाइस आपको जो कैंची वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आप इस पर क्लिक करके यहाँ से गाइस वीडियो को अपना स्प्लिट कर दीजिएगा। करने के बाद कुछ इस टाइप से इसको आपको घिसका के जहाँ पर आपका टेक्स्ट पूरा शो हो रहा है इतना में आपको यहाँ पर आना होगा, कुछ इस टाइप से इतना में आप यहाँ पर आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों अभी आपको इस वाले वीडियो में ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी आप यहाँ पर देखोगे तो एक प्लस का मार्क दिखेगा, आपको गाइस इस पर क्लिक करना होगा, इफेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ग्लो वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करना होगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो देख सकते हैं ग्लो यहाँ पर आ चुका है। तो ये जो चीज़ है गाइस इसको आपको यहाँ पे जीरो पे कर देना है, कुछ इस टाइप से जीरो पे आप यहाँ पर कर दीजिएगा। करने के बाद साथ ही अभी एक देख पर व्हाइट प्लस आ रहा है, इसको गाइस कलर चेंज करना है, उसके लिए आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले ये जो ये लाइन है इसको इस वाले कॉर्नर में लगाइएगा, देख पा रहे हैं यहाँ पर रेड हो गया। अगर आप यहाँ पे ब्लू लगाना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार से घिसका के ब्लू कर सकते हैं। तो मैं गाइस इसको रेड ही रहने दूंगा, तो यहाँ पर रेड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद दोस्तों अभी आपका जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अभी दोस्तों आपको इस वाले वीडियो को सेव करने के लिए आप गाइस यहाँ पर देखोगे तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना वीडियो यहाँ पर सेव कर लेनी है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान से इस टाइप को फॉलो करके आप इस टाइप का वीडियो एडिट कर सकते हो।